कंटिन्यू वीडियो हम बना रहे हैं अभी। तो सारे पौधों को पानी वगैरह देने के बाद हमने कुछ सब्जी वगैरह तोड़े थे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत कमी आए हैं लेकिन बहुत अच्छे से आए हैं। उसके बाद मैं अपनी फ्रूट्स प्लांट्स की भी अपडेट आपको दूंगी। तो ये देखिए, हम पहले जो है भिंडी तोड़ रहे हैं। भिंडी जो है रोज़ दो तीन निकलते रहते हैं। इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं, सारे मिलाकर एक दिन सब्जी हम बना लेते हैं। कल मैंने 3 तोड़ कर गए थी, ये कल ही तोड़ने वाली थी, सोचा कि 2 दिन रखा रहेंगे, लेकिन आज फिर से इन्हें तोड़ रही हूँ मैं। और शिमला मिर्च मैं पहली बार तोड़ रही हूँ। ये पौधे लगाने के बाद बहुत अच्छे से आए हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ये तोड़ते हुए देखने में। और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है इस बार, देखिए इस तरह से आए हैं, देखिए बहुत ही सुंदर से साइज़ भी अच्छे हुए हैं। इनको भी अभी 3-4 निकलेंगे तो सारे निकाल लूँगी, फिर रखा रहेगा, नहीं तो किसी सैंडविच वगैरह में ये यूज़ हो जाएगा। शिमला मिर्ची मुझे बहुत पसंद है। हम ऐसे ही इसे तेल में फ्राई कर नमक और मिर्च डालकर खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्रंची भी रहता है। और ये देखिए सारे लगे हुए हैं, इन सबको ना पहले मैं आज थोड़े बड़े निकाल लेंगे, काफ़ी छोटे जो हैं वो उनको हम 2-3 दिन के बाद और फिर से तोड़ लेंगे। तो इस तरह से जो है हमने थोड़े थोड़े ही सही से कुछ बहुत दिन के बाद सब्जी निकाले हैं। देखिए बहुत दिन के बाद हमने सब्जी निकाले, अच्छा तो लग रहा है। और बैंगन भी हुए हैं, कितने हुए हैं वो सब मैं आज तोड़कर निकाल लूँगी, छोटे जो है उसे वहीं पर छोड़ लूँगी। अगर छोटे के चक्कर में ये यहीं पर छोड़ देंगे तो ये सब जो है पक जाएंगे और बीज बनने लगेंगे और खाने में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो सोच रहे हैं इनको हम पहले से तोड़ कर रख लेंगे अपना। और मज़े की बात बताऊँ, ये कल की वीडियो है और आज जो है हमने तुराई और बैंगन दो मिलाकर सब्जी आज बनाकर हमने खा लिए हैं। तो इस तरह के देखिए हम निकाल रहे हैं, है छोटे छोटे, सोच रहे हैं आज निकालें कि कल निकालें, है तो मेरे पास ही, जब चाहे आप आकर मैं निकाल सकती हूँ। छोटे छोटे जो है उसे यहीं पर रहने दूंगी। और फूल तो काफ़ी अच्छे आए हैं, सारे इसमें फूल तो लगे रहेंगे, कुछ दिन के बाद इसमें से फ्लावर निकलेंगे, सॉरी फूल से बैंगन निकलेंगे, तो काफ़ी अच्छी सी फैली हुई है। और सबको आजकल तो मैंने सब आज तो मैंने सब में सपोर्टिंग भी दे दी है, तो ये भी इसमें भी फलियां लग रही है। तो यहाँ पर बैंगन के पौधे भी बड़े हो रहे हैं, सब मिलाकर थोड़े थोड़े बैंगन आगे मुझे मिलने की उम्मीद ज़रूर है। तो यहाँ से निकलते ही मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा वेजिटेबल प्लांट्स के बाद फ्रूट्स प्लांट्स की अपडेट भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ, एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा मेरा फ्रूट प्लांट का सेक्शन, यहाँ पर है। यहाँ पर हमने इसलिए रखा है कि समर में भी यहीं पर रहेगा, इसलिए इसे ज़्यादा इधर उधर नहीं निकालना पड़ेगा। ये देखिए हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखे हैं, कुछ दिन के बाद देंगे। तो ये है स्टार फ्रूट प्लांट। मैंने रिपोर्टिंग कैसे में दिखाए थे कि छोटे छोटे फ्लावर्स थे, फ्लावर्स बड़े भी हो गए हैं, उसमें फल भी लगने लगे हैं। धीरे धीरे से बड़े होंगे या निकल कर गिरे निकल जाएंगे पता नहीं, क्योंकि आम में जो है छोटे छोटे आम थे वो जो है निकल रहे हैं धीरे धीरे कर। और फ्लावर्स भी है ऊपर, देखिए नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं और प्लांट भी अच्छे ग्रो हो रहा है ये समय, नए पत्तियाँ वगैरह भी आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है सीताफल का प्लांट, कस्टर्ड एप्पल, देखिए छोटे छोटे से लग रहे हैं। लास्ट ईयर हमने इसी प्लांट से 2 लिए थे। ये सीड से उगा हुआ प्लांट है। अब सीड से उगा हुआ प्लांट में भी बहुत जल्दी फ्रूटिंग जो होती है वो कस्टर्ड एप्पल में होती है। और ये है मलबेरी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे,
ये मैंने कुछ 2 महीने पहले लेकर आई थी, समर में मैंने इसका रिपोर्टिंग वगैरह कर दी थी, तो अब जाकर ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे से लग रहे हैं लेकिन पक नहीं रहे, उसे मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए अंजूर का प्लांट है, ये पकने वाला है और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी इसमें हो रही है। पत्तियों के नीचे, हर एक पत्ती के नीचे, हर एक नोड के पास ये फ्रूटिंग करता है तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए थोड़ी सी पक रही है, थोड़ा कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर छोटे छोटे मलबेरीज लगे हुए हैं लेकिन ये साइज़ में अच्छे नहीं हो रहे हैं और पक नहीं रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये झड़ जाएंगे। इसकी कंडीशन भी अभी अच्छी भी नहीं है, पता नहीं इसमें क्या कमी हो रह गई है। इसे मैं बड़े पॉट में लगाने वाली हूँ, बहुत छोटा सा पॉट में उस दिन मैंने लगा कर छोड़ दिए थे इसे, कुछ ही दिन के बाद लगा लेंगे हम इसमें। तो ये मेरा उस समय का कंटिन्यू वीडियो था। उसके बाद शाम में भी हमने गार्डन में आए थे और शाम में भी हमने कुछ काम किए। वो काम जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, और इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। इसमें मैंने कुछ काम किए हैं, फ्लावर है जो नए फ्लावर्स जो है वो मैं इसमें दिखा देती हूँ कि आज मेरे यहाँ ब्रह्मा कमल खिल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक खिला था, उसके बाद भी खिला है, वो भी मैं दिखाऊँगी। तो शाम में फिर से आए थे और अभी बहुत अच्छी सी उजाला है लेकिन कैमरा में अंधेरा सा हो रहा है तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए उस दिन। और शाम में देखिए फ्लावर तोड़ रहे हैं हम, ये सब फ्लावर्स को जो है हम शाम में ही तोड़ कर रख देते हैं तो ये फ्रिज में अच्छा रहता है भगवान को चढ़ाने के लिए, या फिर हम लोग सिर पर भी लगा लेते हैं। साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से गजरा लगता है। तो ये देखिए ये फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रही है, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। और मैं इसलिए यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी कि बारिश वगैरह हो जाएगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो इसे ले जाकर मैं रख लूँगी। और ये है रात में फिर से ब्रह्मा कमल के 2 फ्लावर्स खिले थे आज, और उसके 2 दिन पहले एक और खिला था, और 2 दिन के बाद और 2 खिलने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। ये देखिए ये मेरी बेटी उसके साथ फ़ोटो खींच रही थी, बहुत सारे अंधेरा था, हम उसका मज़ा ले रहे थे तो उसमें बैटरी ऑन कर कर हम अपना टॉर्च जला रहे थे, उसी बीच में इसकी खूबसूरती दिख रही थी हमें। एक्चुअली ये उस तरफ है तो इस तरफ हम खींच रहे थे। और देखिए छोटे छोटे से बहुत सारे कलियां बने हुए हैं, बहुत सारे कलियां हैं इसमें, ऐसे ही खिलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये शायद आज या कल खिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर खिलने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। एक्चुअली बहुत अंधेरा है तो कलियाँ दिख नहीं रही है, और उससे उसके बाद छोटे छोटे तो इतने सारे हैं, 20 कलियाँ अभी भी भरे हैं छोटे छोटे से। तो ये अभी सीज़न है, बहुत अच्छे से ये खिलते रहेंगे, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है और खुशबू भी आती है लाइट सी। और ये रात के 10 बजे तक ये फुल खिल चुके थे, इस समय अभी 10 के ऊपर ही है समय, तो देखिए फुल ओपन हो गए हैं, बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है। तो ओके फ्रेंड्स बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।